संस्कार नहीं होंगे तो डिब्बे के समान कचरे में जाओगे, कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर सुंदर संस्कार नहीं है, वो गुण नहीं है। इसलिए राजन सुंदर संग करो। यदि आप मुख छुपाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। जिन प्रभु की कथा मोक्ष देती है, मुक्ति दिलाती है, कल्याण कर देती है, उस कथा को मुझे भी सुनाइए। मैं भी श्रवण करूंगा, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। बताइए कृपा करके भगवान कि भगवान सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, पाताल में दश भी पादम, जो भी कुछ आप संसार में देख रहे हो ना, ये सब भगवान है, ये परमात्मा ही तो है। चराचर जड़ चेतन जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, इसे परमात्मा है। जो भी कुछ बने ये परमात्मा ही बने, और परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए सभी को एक भाव से देखो। कैसे? तो हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर लिखा, परमात्मा में देखोगे ना, तो समझ लेना कि आपका कल्याण हो गया। ये जो भी कुछ बने ये परमात्मा ही है, परमात्मा समझ करके प्रणाम करो। परीक्षित जी, जो भी कुछ आप इस संसार में देख रहे हो ना, ये परमात्मा ही है। इसलिए उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं का भजन करो। फिर आगे श्री सुखदेव भगवान शज्ञों मुक्ति क्रमवृत्ति का वर्णन करते हैं। जो भी वंदना करोगे ना, उसी प्रकार प्रभु का दर्शन हो, परमात्माओं को मना लिया। फिर किसी आपको देवी देवताओं को मनाने की जरूरत नहीं है। सभी के मूल कारण यदि है तो वो है भगवान नारायण। ना मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, केवल और केवल उनको प्रभु की भक्ति चाहिए। हमको न स्वर्ग
के चाहिए या अपवर के चाहिए और केवल वो यशोदा नंदन कुमार चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल वो देवी की नींद में शाम चाहिए। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो निष्काम भक्ति और एक सकाम भक्ति, जिसमें बहुत सारी कामनाएं हैं। वो पता है यदि प्रभु प्रसन्न होते हैं ना तो केवल और केवल निष्काम भक्ति, लेकिन हमारे अंदर तो बहुत सारी कामनाएं पड़ी हैं। पर प्रभु भी अपनी भक्ति को हर किसी को प्रदान नहीं करते, क्यों? आप विचार करोगे कि भगवान अपनी भक्ति को सबको क्यों नहीं देते, लेकिन इसका एक कारण है। क्या इस प्रकार यदि हमारे पास बहुत सारा धन है, चांदी है, सोना है, यदि हम उसको किसी के भरोसे छोड़ दे तो बड़ा गुरुदेव को प्रणाम करना। प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस सृष्टि का सृजन किया, इस सृष्टि को बनाया है, ऐसे प्रभु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सुखदेव भगवान, कई लोग उस पर प्रश्न करते हैं कि सुखदेव भगवान जब कथा श्रवण कराई परीक्षित जी को, तो उससे पहले मंगलाचरण क्यों नहीं किया, क्या भूल गए थे? लेकिन नहीं, उस समय परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो उसका जवाब दे रहे थे। लेकिन अब प्रभु की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु की कथा को बोलने जा रहे हैं, इसलिए जो जगत की सृष्टि करता है ऐसे परमात्मा को वो वंदन करके प्रणाम करके कथा को आरंभ करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो जो परमात्मा जगत के आधार है, ऐसे परमात्मा की मैं कथा तुम्हें श्रवण कराता हूँ। जब इस संसार में कुछ नहीं था, केवल और केवल जल था, देखिए मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, तो कहा कि जब इस मांड में जल ही जल रहा और भगवान नारायण के अलावा कोई नहीं, और उस जल में केवल वो परब्रह्म परमात्मा कन्यावास है। संस्कृत में जल को नार कहते हैं, नार एवं जल, और अयन, अयन कहते हैं मकान को जिसमें परमात्मा का वास है। तो भगवान का नाम पड़ा क्या? नारायण। भगवान ने जब देखा कि संसार में कुछ नहीं मेरे अलावा, जो भी कुछ है परमात्मा है, तो परमात्मा ने विचार किया यदि एक से अनेक हो जाऊं तो कैसा रहेगा,
समय प्रभु के संकल्प से ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ। भगवान की कमल नाभि से ब्रह्मा का प्राकट हुआ। जब ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ तो कमल पे बैठे हुए ब्रह्मा जी को विचार आया कि मैं कहां से आया। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे और जब चारों तरफ देखा ना तो उनकी चार मुख प्रकट हो गए। अब चारों तरफ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। ब्रह्मा जी विचार करके मैं आया तो आया कहां, लेकिन ब्रह्मा जी कमल की नाल में अंदर जाके देखते हैं तो भी पता नहीं लगा पाए मैं कहां से आया हूं। ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं लगा कि मैं आया तो आया कहां से। इतने में उन्हें दो शब्द सुनाई पड़े, ता और कहा। अगर तप करोगे ना तो पता लगेगा कि मैं कहां से आया हूं। तो ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तप किया और जब तप किया ना तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। हे जगत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति, मैं आपको सुनाई देता हूँ। कहा प्रभु, आपको जगत सृष्टि करता है, जगत के आधार है। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान बताइए मैं आपकी क्या आज्ञा का पालन करूं। तो भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ के कहा कि आज से जाओ तुम सृष्टि के रचयिता बन, तुम सृष्टि के मालिक हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु यदि अभिमान हो गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इस संसार में यदि कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। थोड़ा सा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए तो वो अभिमान करने लगता है। यदि मुझे अभिमान हो गया तो क्या करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अभिमान करोगे ना तो प्रभु किसी का अभिमान ठहरने नहीं देते। भगवान अभिमान का तो हनन अवश्य करते हैं। अभिमान बनने मत कर तो अभिमान बनने, क्योंकि झूठी तेरी शान रे बंदे। जो आप देख रहे हो ना ये सब झूठ है।